सोच रहा है इसका जूता ना भीगे। अभी हम देखते हैं अपने जूते को बचाता कैसे है। आगे पानी बहुत गहरा है, पानी। ये है अक्सा बीच का शानदार सा नजारा, देख सकते हैं आप लोग। सामने है मारवे बीच, आइसलैंड पे बसा हुआ है, यहाँ पर जहाजों से लोग जाते हैं। और देखो वहाँ पे बीच में जहाँ पे झंडी लगी है ना, हाँ? वहीं पे बॉलीवुड भाई जान की शूटिंग हुई थी। वो आपको गाना याद होगा, चल अक्सा बीच घुमा दूं, चलती क्या गाइस। अभी हम लोग दाना पानी बीच पर ही बैठे हैं, हम लोग बनवाए हैं चिकन और पाव। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मुंबई के मड आइलैंड में, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को घुमाने वाले हैं मुंबई की सबसे फेमस बीचों में से एक, अक्सा बीच। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को अक्सा बीच का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं कि यहाँ का बीच कितना शानदार है और यहाँ पर किस तरह से लोग घूमने के लिए आते हैं, सारी चीज़ें दिखाएंगे आप लोग। तो मुंबई के जुहू बीच हो गया, बैंड्रा बैंड स्टैंड बीच हो गया, या तो मरीन ड्राइव हो गया, या तो वर्सोवा बीच हो गया, ये सारे बीच मेरी वीडियो में देखे होंगे, लेकिन आज मैं पहली बार आपको अक्सा बीच का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा भाई। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर लगातार तीन बीच हैं, दाना बीच, दाना पानी बीच, अक्सा बीच और मारवी बीच। तो अब्दुल भाई देखो आगे आगे चल रहा है, और अभी हम लोग अंदर आए हैं, मेन पॉइंट आगे है जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अभी उधर भी ले चलेंगे। हाँ तो तुम कूदते हुए चल रहे हो भाई, तो यहाँ पर संभल के चलना होगा भाई। थोड़ा सा ना ये कपल पॉइंट एरिया ज़्यादा है, इसलिए मैं किनारे का नहीं ले रहा हूँ गाइज, क्योंकि थोड़ा समझ रहे हो ना, कपल्स लोग ज़्यादा किनारे किनारे बैठे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो किनारे का नहीं लेना ठीक है भाई, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा फिर। तो अभी देखो मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो सब जाल चिपक चुका है भाई, ये मछली मारने वाले मछुआरे भैया लोगों का है। हाँ आराम से आना, इधर फिसलन बहुत है भाई। ये पानी ना दिन में बढ़ जाता है, शाम को घटता है, फिर रात में बढ़ जाता है। हाँ यहाँ पे आराम से आना होगा, ये देखो मछली भाग रही है। चलो भाई, हाँ भाई इसलिए थोड़ा सा बच के चलना पड़ रहा है। आओ भाई मेन पॉइंट पे ले चलते हैं, आपको सामने का व्यू देखो भाई कितना शानदार। अभी सूर्यास्त हो चुका है, मतलब अच्छी खासी शाम हो चुकी है। देखो क्रैप्स, केकड़ा देखो अंदर भाग रहा है, ये देखो इधर भी क्रैप्स है, ये देखो इधर क्रैप्स भाग रहे हैं भाई। इधर देखना इसके नीचे है क्रैप्स भाई, इस पत्थर को हटाओ, भाग गया नहीं भागा, इसी साला काट लेगा, जाने दो। बहुत सारे क्रैप्स है भाई हर जगह। तो देखो भाई अब्दुल भाई आगे आगे चल रहा है, अभी आपको आगे से नज़ारा दिखाता हूँ। तो भाई अभी जिस जगह पे हम लोग हैं, ये है मड आइलैंड का दाना पानी बीच, जो कि बहुत ही फेमस बीच है। और बगल में जितने भी आपको सेट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मूवी वगैरह की शूटिंग होती है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी आते हैं। सामने का व्यू देखो भाई, सबको बैंड्रा बैंड स्टैंड, मरीन ड्राइव, ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन दाना पानी बीच का लोग नाम सुने होंगे, लेकिन घूमने यहाँ पर बहुत कम लोग आते होंगे। लेकिन देखो भाई यहाँ पर ना पुराने पुराने किले टाइप के कुछ आपको नज़ारा भी दिखाई देंगे, सामने देखो फोर्ट टाइप के। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। और सामने मारवे बीच किधर गया, वो है ना मारवे बीच, देखो आइलैंड पे बसा एकदम समुद्र के बीचों बीच, वहाँ से जहाज़ से जाना पड़ता है वहाँ पे। और ये है यहाँ का नज़ारा भाई, उधर तक लोग जाके बैठे हैं पत्थरों पे, देखो आगे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और ये है यहाँ का शानदार सा नज़ारा, ये सारे सेट बने हैं जहाँ पर मूवी टीवी सीरियल एड वगैरह का शूटिंग होता है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी आते हैं। ये देखो जैसे लग रहा कि हम लोग गांव में आ गए भाई, ये है यहाँ का नज़ारा दाना पानी बीच का। दोस्तों अभी हम लोग ऊपर के साइड ही हैं, और आप लोग देख सकते हैं अक्सा बीच के बाजू में किस तरह से लोग ऊपर दुकान वगैरह अपना लगाए हुए हैं। अंदर मेन पॉइंट पर ना बहुत ढेर सारी दुकानें हैं, अभी हम आपको मेन पॉइंट के साइड भी ले चलेंगे। फिलहाल पहले आप लोग ऊपर से देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे गमले में जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए पानी रखा गया है, और ये पूरा सेट बनाया गया है। देखो ये सामने का पूरा नज़ारा भाई, ये पूरा अरब सागर का नज़ारा, और पानी काफ़ी अंदर चला गया है। अभी मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं तो सामने आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड नज़र आएगा, वो अक्सा बीच है सामने वाला, और ये बाजू वाला दाना पानी बीच है। अभी हम आपको सीधा मिलते हैं अक्सा बीच पर, और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग अक्सा बीच के अंदर चल रहे हैं, आओ आपको दिखाते हैं भाई। अब्दुल भाई आगे आगे है,
आप लोग आज तक भाई मरीन ड्राइव जुहू चौपाटी हमारी वीडियो में देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको अक्षा बीच दिखाता हूँ। ठीक है, अक्षा बीच में बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई है। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, बीच घुमा दूं क्या चलती क्या। ये गाना भाई बहुत ही फेमस गाना है और आज हम लोग उसी बीच पे पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि अक्षा बीच का नज़ारा क्या है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये देखो भाई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, ग्रीनरी है और किस तरह से सामने लोगों की भीड़ है। अक्षा बीच का मेन पॉइंट आगे है, अभी हम आपको मेन पॉइंट पे ले चलेंगे। जिस तरह से जुहू चौपाटी पे दुकानें वगैरह है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो मैं अब्दुल यहाँ पर आ चुके हैं और सामने मारवे बीच आइसलैंड है, जहाँ पर लोगों को जहाज़ों से जाना पड़ता है। तो देखो लोग झाड़ियों में भी बैठे नज़र आ रहे होंगे। कपल्स पॉइंट एरिया है भाई यहाँ पर, और इसके जस्ट बाजू में ना दाना पानी बीच है और ऊपर सारे सेट बनाए गए हैं जहाँ फिल्मों के एड के गानों की शूटिंग होती है। ये मड आइलैंड भाटी गाँव का पूरा इलाका है और उधर दाना बीच है और ये अक्षा बीच है। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले आपको यहीं से थोड़ा सा अक्षा बीच पर लोगों का नज़ारा दिखा दूं। देखिए लोग किस तरह से पत्थरों के ऊपर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर देखो लोग आराम से बैठ के अपना खा पी रहे हैं भाई। और यहाँ पर ना बैंड्रा बैंड स्टैंड की तरह बड़े बड़े पत्थर भी हैं और रेत भी हैं। इधर देखो फोटो शूट चल रहा है और इसके आगे आपको पूरा रेत ही रेत नज़र आएगा। मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ मेन पॉइंट से, अभी हम अंदर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई इधर नहा के आ रहा है और अरब सागर का शानदार सा नज़ारा देखने को मिलता है भाई। आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ ना काफ़ी शांति है और जो हवाएं हैं ना वो काफ़ी गजब की चल रही हैं भाई, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। सामने मारवे बीच है, इधर देखो कपल्स लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और झाड़ियों के साइड जाओगे ना आपको इतने कपल्स नज़र आएंगे कि पूछो मत। लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कुछ लोग ही पर्सनल चीज़ें होती है और यहाँ पर फैमिली वाले घूमने के लिए भी आते हैं। उधर कुछ लोग नहा रहे हैं और इधर आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगी। देखो अंदर लोग जा जा के किस तरह से अक्षा बीच पर नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अक्षा बीच ना मुंबई के सबसे साफ सुथरी बीचों में से एक है। यह बीच ना मारवे बीच और दाना पानी बीच से जुड़ा हुआ है। सामने देखिए कितने सारा आपको नारियल और तरकुल के पेड़ नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर, एकदम अलग लेवल का नज़ारा। और ये वो अक्षा बीच है ना जहाँ पर बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। सलमान खान की फिल्म जो है गॉड तुसी ग्रेट हो और मशहूर गाना तुसे अक्षा बीच घुमाऊँ आ चलती क्या ने इस बीच को ना प्रसिद्धि दिलाई है। और ये मेन पॉइंट है जहाँ पर खाने पीने की दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, आराम से लोग जाके चेयर्स पे बैठते हैं। बाजू में आपको छोटी छोटी बिल्डिंगें भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन इधर ना उतनी बिल्डिंगें नहीं है। इधर पूरा गाँव का फील आता है आने के बाद। अभी हम लोग मेन पॉइंट पर चलेंगे और आपको अक्षा बीच का पूरा शानदार सा व्यू दिखाएंगे। इस साइड से देखो कितना तगड़ा पानी आ रहा है और जाके समुद्र में मिल रहा है, देखो कितना तगड़ा। और यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो एक चीज़ आपको दिखा दूँ, देखो किस तरह से धारा काट के रखी है पूरा रेत को। यहाँ पर आओगे ना तो बैंड्रा बैंड स्टैंड का और जुहू चौपाटी का दोनों फील पाओगे। इधर पूरा पत्थर है, देखो लोग पत्थरों पे बैठे हैं किस तरह से। यहाँ पत्थर है और इधर पूरा रेत है भाई, पूरा लास्ट तक रेत है। लोग रेत पे बैठे हैं उधर परिवार के साथ, उधर दुकानें हैं। तो ये है शानदार सा नज़ारा। आपको बता दूं इधर ना लोग फ्रेंड्स के साथ ना पिकनिक पर भी आते हैं। यहाँ पर कई निजी कॉटेज और होटल हैं जिनमें जो भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर उन्हें किराए पर दिए जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ना पूरा गांव का फील आता है और समुद्र का नज़ारा देखने को मिलता है। अभी हम लोग वहाँ पर थे और वहाँ से हम लोग ये रास्ता पकड़ के आए हैं। अब्दुल जूता पहना है ना, तो भाई ये बीच से जा नहीं सकता है, तो हम लोग इन पत्थरों से निकलेंगे। लेकिन इसको लग रहा था कि यहाँ से आराम से निकल जाएगा। निकल जाओगे आगे तो नहीं भाई, तुमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा पानी में अब्दुल। और अभी हम आपको मेन पॉइंट पे ले चलने वाले हैं भाई। और लहर देखो भाई, किनारे किनारे सभी कपल्स बैठे हुए हैं भाई। इस तरह से अक्षा बीच का कुछ नज़ारा। और ये देखो अब कैसे चलोगे भाई, चलना पड़ेगा भाई, उधर से भी नहीं निकल पाओगे। चलो चलो भाई मेन पॉइंट पे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे भाई। सोच रहा है इसका जूता ना भीगे। अभी हम देखते हैं अपने जूते को बचाता कैसे है। बच जाएगा लेकिन उतना भी पूरा भी नहीं बचेगा। चलो तुम और गहरे में जा रहे हो, एक बार आगे आओ ना। अरे और गहरा है उधर भाई, तुम सही।
अरे भाई तुम इतना, वहीं से इसीलिए बोलता हूँ कि कई बार कई जगह स्लीपर पहन के चलना चाहिए, हर जगह दिखाना नहीं चाहिए। कहाँ चढ़ रहे हो भाई, कहीं भी चढ़ रहे हो, कहीं भी मेरे को चढ़ा रहे हो, यही तो मजा है दोस्तों। आप लोग को लगता होगा कि वीडियो ऐसे ही आ जाती है, देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 1.5 लाख का फूल भी फूट सकता है। आपको मैं वीडियो दिखाने के लिए देखो आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जाने लायक होगा भाई। ये अगर जूता वहीं पे निकाल लिया होता बंदा, तो अभी हम लोग मेन पॉइंट के आगे पहुंच गए होते। वहां से लगभग 150 मीटर की दूरी से लेकर आ रहा है कि इसको जूता ना निकालना पड़े, आखिरी में आके इसको जूता निकालना ही पड़ा। फाइनली गाइस, फाइनली मैं जूता निकाल दिया हूं। अब इसको पार करना है, वहीं कर लिया होता, इससे कम पानी था और दूरी भी कम थी। लेकिन देखो, इनको लग रहा था जूता नहीं निकालना पड़ेगा, अब कह रहा था कि जंगल के रास्ते चलो। चलो आगे आगे, अरे नहीं कटेगा यार, इतना नहीं है, आराम से चलो, पत्थर पे ना रखना बस। तो भाई मैं तो स्लीपर पहन के ही घूमता हूँ, मेरी टेंशन नहीं है। आओ तुम लो भाई, पहले आराम से निकलते हैं, पैर नीचे रख के देखो, इसमें मछलियाँ भी तैर रही हैं और ये पीछे पीछे आ रहा है। मोबाइल बचा के अपना रखना, बहुत तगड़ा है। तो फाइनली मैं तो बाहर आ गया, इनको देखो क्या बात है यार, ये आओ बढ़िया से ले भाई, समुद्र को पार करता हुआ अब्दुल भाई। आगे पानी बहुत गहरा है, पानी का बहाव बहुत तेज है, कहीं पैर ना कट जाए। मैं बहुत ही जंगल रास्ते से निकल रहा हूँ दोस्तों। आ जाओ आ जाओ, हाँ वही धुल के पहन लो। तो भाई चलो, फाइनली ये निकल चुका बाहर, अब पैर धुल ले, उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे चलते हैं अक्सा बीच के, और आपको दिखाते हैं भाई आगे से, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा पैर वगैरह धुल के आगे निकलते हैं। नहीं यार, पैर ऐसे इतना थोड़ी ना कट जाएगा, इतने आराम आराम से आए हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई, जब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, और दोस्तों हम लोग आ गए अक्सा बीच मेन पॉइंट। और अभी भाई देखो, हम हैप्पीडेंट खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ और नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है, तो लगने दो। बाकी बाहर आ गए हैं ये कल्लू, कल्लू सेठ, हाँ कल्लू, अक्सा बीच घूम रहे हो, तो उधर से हम लोग आए हैं, देखो वहाँ से आए हैं, उधर से ये पूरा जंगल है भाई, किनारे किनारे पूरा जंगल देखने को मिलेगा। अक्सा बीच में यही खासियत है। और सामने आओ दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर फैमिली के लोग आते हैं घूमने के लिए, और भीड़ उतनी नहीं है। अगर आप ना सुबह में आओगे तो ये जो रेड फ्लैग लगा है ना, ये यहाँ तक पानी आता है और यहाँ तक आ जाता है, तो इधर लोग बैठे रहते हैं देखो, और पानी अभी काफ़ी अंदर चला गया है। और इधर देखो, इधर देखो, ऐसे लोग आके बैठते हैं, घूमते हैं, देखो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं रेत में। और सामने आपको ढेर सारी दुकानें देखने को मिल रही होंगी, जैसा कि आपको जुहू बीच पे देखने को मिलती हैं, स्ट्रीट फूड की दुकानें, जो खाने पीने की दुकानें होती हैं, गोला हो गया, लेमन सोडा हो गया। इधर देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा सब लोग बीच पे आके सोडा खाते हैं और सिगरेट पीते हैं, और हम फर्स्ट टाइम आके पाव और चिकन खाया। अरे देखो, पूरा सामने दुकान लगी है, अब छोटे छोटे बच्चों के लिए कार ड्राइव है, और यहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षा बल भी तैनात है, यहाँ पर मुझे देखने को मिला है। और ये देखो सामने का नज़ारा भाई, क्या बात है, मारवी बीच देखो एकदम आइसलैंड पे बसा है, देख रहे हो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो मंदिर भी दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई क्या नज़ारा है, क्या शानदार सा बेहतरीन सा, देखो सारी दुकानें इधर लगी हैं, इधर चटाई वगैरह भी मिलती है भाई, अगर बैठना है तो बैठ सकते हो। हाँ इसीलिए पुलिस है साथ में, मुझे भी लग रहा है कोई है। कहाँ पे हाँ, तो झूल लो ना जाके, देखो इस तरह से बच्चों के लिए झूलने के लिए चीज़ें बनी हैं, उधर आराम से जाके बच्चे को आप लोग कार ड्राइव करवा सकते हैं। ये दुकानें इस तरह से यहाँ पर बनी हुई हैं भाई,
अक्षा बीच का पूरा शानदार सा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह का माहौल है। और यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं भाई, पेड़ पौधे हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखो इधर झूला वगैरह चल रहा है छोटे छोटे बच्चों का, और ये सामने उधर देखो पूरी भीड़ उधर ही है, सामने ही है जो भी क्राउड है। देखो अक्षा बीच का नज़ारा भाई शानदार सा, उधर लोग बैठे हैं आराम से, इधर लोग आराम से जाके किनारों पे घूम रहे हैं। देखो किस तरह से एकदम अंदर पानी जा चुका है काफ़ी अंदर तक, मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ भाई। देखो इधर का नज़ारा, अब्दुल देखो झूला झूल रहे हैं वहीं पे। हाँ ऐसे ऐसे करो, झूल लो, फील करो कि तुम उसी के अंदर झूल रहे हो, ठीक है। हाँ बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया अब्दुल भाई, पैसा भी बच गया अपना। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोग आ गए अक्षा बीच। बचपन में तो पैसा नहीं रहा करते तो हम लोग सोचते थे भाई इसको झूल ले, बट आज पैसा होने के बावजूद भी भैया ने हमें पूछा झूल ले तो भैया बोल रहे स्प्रिंग टूट जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, जाएंगे नहा लो, बीच भी दिखाएंगे आपको दोस्तों। हाँ। बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू है, और देखो वहाँ पे बीच में जहाँ पे झंडी लगी है ना। हाँ। वहीं पे अपने बॉलीवुड भाई जान की शूटिंग हुई थी, वो आपको गाना याद होगा चल अक्षा बीच घुमा दूं। आ, चलती क्या, कहाँ पे हुआ था उसका शूट? उसका शूट वहाँ पे मेन बीच पे। अच्छा अच्छा, वो मेन सेट लगा हुआ था, वो मेन पॉइंट के बाद भाई वहाँ पे लगा था। और ये देखो इधर स्ट्रीट फूड की दुकान, देखो भाई कितनी सारी दुकानें हैं, देखो खाने पीने की। ये देखो सामने से आपको पूरा चेयर भी सामने लगी है दुकानों की, अगर कोई खाता पीता है तो आराम से चेयर पे बैठ सकता है, आराम से यहाँ पर खा पी सकता है। हर तरह की खाने पीने की दुकान, सोडा की दुकान, नारियल पानी की दुकान, रबड़ी की दुकान, चाय की दुकान, सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई, सारी चीज़ें। देखो ये अक्षा बीच की दुकानें, यहाँ पर भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये अक्षा बीच का मेन पॉइंट यही है ना अब्दुल, मेन पॉइंट ये है। और सामने काफ़ी टूरिस्ट लोग भी घूमने आते हैं, ये लोग यूपी से आए हुए हैं भाई। हाँ यूपी पुलिस है, ये कोई तो आया है उत्तर प्रदेश से घूमने के लिए, नेता वगैरह है कोई। तो ये देखो भाई सामने का व्यू देखो कितना शानदार है, देख रहे हो पानी काफ़ी अंदर तक चला गया है ना, इसलिए पूरा लोग अंदर तक जाके घूम रहे हैं। देखो कपल्स लोग ज़्यादा आते हैं भाई यहाँ पे। तो भाई अभी हम लोग अक्षा बीच के एकदम मेन पॉइंट पे आ गए हैं। इधर देखिए स्ट्रीट फूड की दुकानें, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर लोग बैठ के खाना पीना खाते हैं, अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो इधर चेयर्स वगैरह सब कुछ लगी है, इधर बच्चों के झूले लगे हैं, और जो अभी हम खड़े हैं ना मेन पॉइंट पे ही खड़े हैं। और ये मड आइलैंड में स्थित है जहाँ पर कई सारी फिल्मों वगैरह की शूटिंग होती रहती है। आप लोग अभी तक जुहू बीच, वर्सोवा बीच वगैरह देखे ही होंगे, लेकिन जो यहाँ का माहौल है ना वो एकदम अलग लेवल का है। क्यों है? क्योंकि पीछे भी आप लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह देख रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जितनी बड़ी बिल्डिंगें उधर होती हैं। और यहाँ पे जंगल है, पेड़ पौधे बहुत हैं, तो यहाँ की जो हवाएं हैं ना भाई वो एकदम गजब की है। मतलब यहाँ का जो माहौल है वो एकदम अलग लेवल का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एकदम उतना भी भीड़ नहीं है, काफ़ी शांत माहौल है, इसलिए काफ़ी खूबसूरत इलाका लग रहा है। और अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग यहीं पे मौजूद हैं भाई, चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हो, क्या बात है भाई, एक नंबर। तो चलो अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे का भी पूरा व्यू आपको दिखाएंगे भाई। गाइस अभी हम लोग अक्षा बीच पर ही मौजूद हैं, और अभी रात हो गई है भाई, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, अभी भी लोग अंदर तक उधर तक मौजूद हैं, उधर भी कुछ लोग हैं देख सकते हो, और इधर पूरा जंगल का नज़ारा। और ये देखो सामने कुछ इस तरह से लाइटें वगैरह यहाँ पर लगाई गई हैं, रात का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे फैमिली वाले लोग हैं, और किनारे किनारे पूरी लाइटें लगाई गई हैं। इधर पूरा मड आइलैंड का इलाका है दोस्तों। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, सामने ही अक्षा बीच है, और इधर से लोग आते हैं, मेन रोड आगे है। देखो जैसे ही आप लोग मेन रोड से आओगे अंदर ना, तो आपको दोनों साइड दुकानें मिलेंगी जहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने, खाने पीने की दुकान, ककड़ी वगैरह, कैरी वगैरह सब कुछ मिलेगा। इस तरह से लोग ठेले पे सारे सामान को बेचते हैं। इधर लोग गाड़ियों को अपने पार्क करते हैं, गाड़ियाँ खड़ा करने की इधर जगह भी है। सामने से आपको ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखिए अब लोग कुछ लोग बीच से निकल के बाहर जा रहे हैं, तो आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कहाँ पर मेन बोट अक्षा बीच का लगा है। देखिए इधर लगा है अक्षा चौपाटी, ये है अक्षा चौपाटी जाने का रास्ता जहाँ पे ये ऑटो वगैरह लगा हुआ है। और ये है भाई आगे मेन रोड, और यहाँ पर कई सारे ना रिसोर्ट वगैरह, होटल वगैरह, कॉटेज वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोग आराम से रुक सकते हैं। ये देखो ये मेन रोड है, मेन रोड पर भी ढेर सारी दुकानें हैं। हम लोग अंदर अंदर एंट्री ले लिए थे ना, इधर से नहीं गए थे, लेकिन अगर आप लोग कभी भी आएंगे तो आपको यहाँ से एंट्री करनी होगी। हम लोग ना दाना पानी बीच की साइड से
चले गए थे।